अपन सब लोग इस बात को जानते हैं कि पवित्र बाइबल दो भागों में बटा हुआ है, एक है पूर्वार्ध, एक है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध पुराने नियम कहलाता है, उत्तरार्ध नए नियम कहलाता है। पूर्वार्ध प्रभु यीशु के संसार में मनुष्य रूप लेकर आने के पहले लिखा गया था, उत्तरार्ध या नया नियम प्रभु यीशु के संसार में पधारने के बाद लिखा गया था। प्रभु जब संसार में रहे 33.5 साल, इस 33.5 साल उन्होंने ना तो कुछ लिखा न ही किसी प्रकार का धर्म चलाया, न ही किसी प्रकार का धर्म चलाने के लिए प्रभु संसार में आए थे। प्रभु ने अपने जीवन काल में ये बात स्पष्ट कर दी थी कि प्रभु संसार में मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं, ना कि कोई नया धर्म चालू करने के लिए। प्रभु के शिष्यों ने इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। इसलिए जब प्रभु यीशु ने सूली पर बलिदान दिया और स्वर्गारोहण करके चले गए, जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, स्वर्गारोहण करके जब चले गए तब शिष्यों को लगा कि प्रभु ने जो महत्वपूर्ण बातें अपने शिष्यों को सिखाई थी वो बातें लोग भूल न जाएं, इनके लिए इस कारण उनको लिखना अच्छा है। प्रभु की भी यही इच्छा थी और इसलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने शिष्यों के द्वारा या अपने अनुयायियों के द्वारा 27 पुस्तकों की रचना करवाई। इनमें से कुछ पुस्तक 50, 60 या 70 पन्ना लंबाई रखते हैं, कुछ पुस्तक या पुस्तिकाएं सिर्फ 2 या 3 पन्ने लंबाई के हैं। इन 27ों का संग्रह बाइबल का उत्तरार्ध है या नया नियम कहलाता है। इस नए नियम के लगभग 2/3 जब अपन आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ एक पुस्तक है जिसका नाम है इब्रानी लोगों के नाम, प्रभु के द्वारा भेजे गए पौलुस का दीर्घ पत्र। आप पूछेंगे कि इतना लंबा नाम है क्या? जी नहीं, नाम तो बहुत छोटा है इब्रानियों के नाम पत्री, लेकिन मैंने उस नाम की व्याख्या करके आपको बताई इसलिए कि जब इब्रानियों के नाम पत्री सुनते हैं तो एकदम से समझ में नहीं आता है। एक्चुअली इब्रानी या यहूदी लोग एक जगह सेटल थे, उन लोगों के नाम, प्रभु के दास ने एक बहुत ही लंबा आत्मिक संदेश भेजा था। उसके 9वें अध्याय के 27वें पद में हम एक पद पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। आप कहेंगे, शास्त्री सर ये तो लगभग वैसी ही बात है जो आप बार बार सुनाते हैं। हाँ, बिल्कुल वही बात जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बात हम देखते हैं। यहाँ लिखा है मनुष्यों के लिए एक बार मरना, ये तो हमने देख लिया, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। यहाँ एक एक्स्ट्रा बात है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। इस बात को तो इस संसार में हर व्यक्ति जानता है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन उसके साथ साथ एक बात एक्स्ट्रा यहाँ पर जानकारी हमको देता है कि आया है सो जाएगा, लेकिन जा एकदम से चला नहीं जाएगा, उसका न्याय भी होगा। आप सब स्कूलों में गए हैं, चाहे 5वीं पढ़े हो, 10वीं पढ़े हो या कॉलेज पढ़े हो, हर व्यक्ति इस बात को जानता है
10 महीने पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं तो वो कॉपियाँ आपके हाथ में से ले ली जाती हैं, लेके बंडल बनाकर सील कर दिया जाता है। सील करके वो हमेशा हमेशा के लिए किसी काल कोठरी में रख दिया जाता है क्या? नहीं, सील करके वो उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को भेजा जाता है जो उसको जांचेंगे। जो लोग उसको जांचेंगे वो लोग उसको पढ़कर देखेंगे कि प्रश्न, यदि 10 प्रश्न थे तो उसमें से आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया है। वो ये भी देखेंगे कि प्रश्नों का जवाब आपने सही दिया है या गलत दिया है। वो ये भी देखेंगे कि प्रश्न का जवाब आपने पर्याप्त लंबाई में दिया है क्या। इसके साथ साथ वो कॉपी को बंद करके वहाँ से चले नहीं जाएंगे। वो बाकायदा आपका रोल नंबर एक फॉर्म में भरेंगे और उसके बाद सारे जवाब जो आपने दिए हैं उसमें से हर जवाब पर नंबर देंगे। इन नंबरों का टोटल करेंगे और टोटल करके वो उस फॉर्म में भरेंगे। खत्म नहीं होता है। उस फॉर्म में भरने के बाद ये कॉपियां जिस तरह से सील करके उनके पास गई थी उसी प्रकार सील करके वापस भेज दी जाएंगी। उसके साथ साथ सील करके वो फॉर्म भी भेजा जाएगा। एक फर्क, जब वो कॉपियां सील करके इस व्यक्ति के पास आई थी उस समय कॉपी पर सिर्फ एक व्यक्ति का अक्षर था या एक व्यक्ति की लिखावट थी। किसकी? आपकी लिखावट। वो कॉपी जब वहां से वापस जाती है तो उस पर कम से कम दो लोगों की लिखावट होती है, एक है आपकी और एक जिस व्यक्ति ने आपके लिखाई की जांच की। आप लिखेंगे नीले अक्षर में या काले अक्षर में, वो लिखेगा लाल अक्षर में। क्यों? इसलिए कि जिसने एग्जाम दिया है, जिसने परीक्षा दी है, उसने क्या किया है इसकी जांच होगी। सिर्फ जांच नहीं होगी, तौला जाएगा कि इसने कैसा लिखा है, सही लिखा है या गलत लिखा है, साफ साफ लिखा है या पूरी तरह से कंफ्यूज होकर लिखा है, पूरा लिखा है या आधा लिखा है, क्रम से लिखा है या बेतरतीब लिखा है। वो जांचेगा और जांचने के बाद वो आपको नंबर देगा। हम सब इस बात से परिचित हैं, सबने एग्जाम दिया है, सब इस बात से परिचित है। हम में से कई शायद ऐसा भी कर चुके हैं, बिना पढ़ाई चले गए, सोचा कि दे देंगे, वहां पेपर खोला तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कॉपी वैसे के वैसे रख के वापस घर आ गए। कुछ और हैं जिन्होंने सब खोल के देखा, आंखों तले अंधेरा छा गया, लेकिन जो जो उनको मन में आता है, मतलब पूछ रहे हैं कि ए का मतलब क्या है, आप लिख रहे हैं कि बी का मतलब क्या है, ये सब विद्यार्थी लोग करते हैं। मैं जीवन भर विद्यार्थी भी रहा, अध्यापक भी रहा, और इसलिए जांचने का काम बहुत किया है और मैंने ये हर हर प्रकार की कॉपी देखी है। कॉपी एकदम से कोरी कॉपी, किसी की कॉपी होती है 10 में से 8 प्रश्न के जवाब देना, आठों का जवाब दिया है, और आप पढ़ के देखें तो सर पीट लेंगे। पूछा गया है कि ये बताओ कि उत्तर भारत का मौसम कैसा है, आप लिख रहे हैं कि प्रशांत महासागर में आंधी कैसे आती है। ऐसा होता है। तीसरे प्रकार का विद्यार्थी है, 10 में से 8 का जवाब देता है लेकिन उसने सही सही पढ़ाई नहीं की है, इसलिए वो थोड़ा बहुत लिखता है। अध्यापक उसने जितना भी लिखा है उतने नंबर देता है।
चौथा ऐसा विद्यार्थी होता है जिसने हर प्रश्न का सही जवाब दिया होता है, क्रम से जवाब दिया होता है, साफ साफ लिखा होता है और कोई भी विषय छोड़ा नहीं है, उस हिसाब से अध्यापक उसको नंबर देता है। यह है न्याय। यदि जिसने कॉपी में कुछ नहीं लिखा, वो यदि आपके दोस्त का बेटा हो और आप उसको 100 में से 90 नंबर दे दें, और जिसने सबसे अच्छा किया है वो आपके दुश्मन का बेटा है इसलिए आप उसको 100 में से 10 नंबर दे दें, तो ये न्याय है या अन्याय है? ये तो अन्याय होगा, सरासर अन्याय होगा। प्रभु का वचन इस बात को याद दिलाता है कि हम में से हर व्यक्ति जानता है कि न्याय का मतलब क्या है। हम में से हर व्यक्ति ये भी जानता है कि जो ईमानदार न्यायी है वो जैसा मैंने और आपने किया है बिल्कुल वैसा ही न्याय करेंगे। यदि हमने जिंदगी भर बुराई ही बुराई बोई है तो वो न्यायी आपको 10 में से 10 देगा क्या? 10 में से 9 देगा क्या? 10 में से 5 देगा क्या? नहीं, 10 में से वो सिर्फ 0 देगा, क्योंकि जिंदगी भर आपने बुराई बोई है। इसलिए प्रभु का वचन याद दिलाता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। किसने नियुक्त किया? जिसने हमारी सृष्टि की। क्यों नियुक्त किया? अरे भाई, स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। उसी तरह से प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया? मनुष्य की सृष्टि इसलिए कि मनुष्य ईश्वर की महिमा करे, प्रभु की सेवा करे और अपने जीवन के द्वारा 4 लोगों को बताए कि देखो, मेरे और तुम्हारे ऊपर भी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार चलना हमारे लिए जरूरी है, उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है, इसीलिए तो उस व्यक्ति ने हमको बुद्धि दी है, वाणी दी है, आँखों को रोशनी दी है, चलने फिरने की ताकत दी है। यदि जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है तो हम में और जानवरों में क्या फर्क है? वो भी पैदा होते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, दूध पिलाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे मनमानी रास्ते पर जाते हैं, वो भी जिंदा है, हम भी जिंदा हैं, वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो कपड़ा नहीं पहनते, हम कपड़ा पहनते, लेकिन सिर्फ कपड़ा पहनने से तो जिंदगी नहीं हो जाती है। प्रभु ने हमको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, भाषा दी है, समझ दी है, आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप के लिए ना केवल भाषा बल्कि भाषा में तमाम तरह की शैलियां दी हैं। हम जीवन में आगे बढ़ें उसके लिए प्रभु ने इस तरह के सत्संग रखे हैं। आपने कभी जानवरों को सत्संग करते हुए सुना है क्या? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मोहल्ले में एक गधा रेंकता है तो बाकी 10 गधे रेंकते हैं, इसको सत्संग नहीं कहा जा सकता है। एक सियार जंगल में हुआ हुआ करता है तो सारे सियार वहाँ पर जंगल में हुआ हुआ करेंगे, या मोहल्ले के एक कुत्ता भौंका तो सारे कुत्ते भौंक लेते हैं, सत्संग हो गया क्या? जी नहीं। सत्संग वहां पर होता है जब बुद्धिमान लोग अपने सृष्टा से संगति के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं, और जब प्रभु के वचन से सृष्टा का संदेश सुनाया जाता है या सृजनहार का संदेश सुनाया जाता है तो उस संदेश को समझकर उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसको सत्संग कहा जाता है। गधा संग या कुत्ता संग नहीं कहा जाता है। सत का मतलब है जो अच्छा है, जो भला है और जो सत्य है। तो हम आज एक दूसरे के साथ इस तरह से सत्संग के लिए आए हैं, तब हम में से हर व्यक्ति को एक दूसरे को याद दिलाना जरूरी है कि आया है सो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय होना जरूरी है। वो न्याय इसलिए होगा कि जीवन हमको
कुछ करने के लिए दिया गया है। हमारे मध्य प्रदेश में एक महान कवि हुए थे मैथिली शरण गुप्त, जो कि मेरे स्कूल के जीवन में, स्कूली जीवन के समय राष्ट्रकवि कहे जाते थे। उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म क्यों हुआ है इसको समझो, यह जन्म व्यर्थ न हो, इसके लिए, इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए जो करना जरूरी है वो करो। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी इतना कहकर रुक गए। उसका जो अगला स्टेप है वो हमको प्रभु के वचन में मिलता है, इसलिए कि मनुष्य एक सीमा तक पहुंच सकता है, उसके बाद का ज्ञान वो अपने स्वयं की बुद्धि से नहीं पा सकता है, उसके लिए प्रभु का वचन आसमान से प्रभु ने हमको अपने दासों के द्वारा दिया है। तो कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, जिस समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। क्या समझना है, मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय होना जरूरी है, और इस कारण हमको जीवन में वे सारे कदम उठा लेने चाहिए जिससे कि न्याय के दिन जब हम प्रभु के समक्ष खड़े होंगे, उस समय प्रभु एक एक करके, हाँ तुम इधर आओ, तुम वही हो ना जो कि कोच्ची में नौकरी के लिए गए थे, हाँ प्रभु मैं वही हूँ, और तुम वही हो जिसको मैंने फलानी फलानी जगह नौकरी दी थी, हाँ प्रभु मैं वही हूँ, उस नौकरी के कारण बच्चे तुम्हारा परिवार तर गया था, तो आप कहेंगे हाँ प्रभु मेरा परिवार वाकई में उसके कारण तर गया था। अच्छा ये बताओ, उस समय 50 बार तुमने मेरा वचन सुना था, मेरे वचन से बार बार ये बुलाहट तुम्हारे पास आई थी कि इस संसार में रहते रहते अगले संसार के बारे में जरा सोच लेना, उसके लिए जो कदम उठाने हैं वो कदम उठा लेना, तुमने क्या किया? जब प्रभु ये प्रश्न पूछेंगे तब मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग फूट फूट कर रोएंगे। क्यों फूट फूट कर रोएंगे? जब अवसर था और जब प्रभु का वचन बार बार हमको याद दिला रहा था कि अपने भविष्य का इंतजाम कर लो, तब हमने उस बात को नज़रअंदाज किया और अपने घर बार की फिक्र में ही उलझे रहे। घर बार की फिक्र करना जरूरी तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने ये बात आपको बताई थी, आज मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु संसार में सिर्फ एक लक्ष्य से पधारे थे, और वो लक्ष्य ये था कि कल को जब मैं और आप सर्वशक्तिमान प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और जब प्रभु पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद जब पूछेंगे तुमने अपने भविष्य का इंतजाम कर लिया था क्या, तब हम क्या जवाब देंगे? प्रभु ने इसका जवाब भी हमको दिया था, प्रभु ने बात साफ साफ कही थी, मैं इस संसार में इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाएं, ना केवल जीवन पाएं बहुतायत से जीवन पाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रभु इस संसार में इसलिए पधारे कि मैं और आप भविष्य में जब सर्वशक्तिमान के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब हम प्रभु से ये कह सके कि हे प्रभु, आपने मुझे बुद्धि दी, शक्ति दी, गांव छोड़कर काफ़ी दूर जाना पड़ा, लेकिन आपने मुझे नौकरी दी, मेरा परिवार उस कारण बच गया, लेकिन हे प्रभु उसके साथ साथ आपने प्रभु यीशु के बारे में जो संदेश दिया था, उस संदेश को सुनकर मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, और इस कारण हे प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपकी संतान हूँ। हम में से कितने लोग हैं जो ये बात कह सकते हैं?
यहाँ जितने भाई और बहन बैठे हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग इस संदेश को कई बार सुन चुके हैं। मैंने आपको जो निमंत्रण दिया, ये निमंत्रण आप कई बार सुन चुके हैं। काहे का निमंत्रण दिया? एक छोटी सी बात। आप कहेंगे अरे छोटी सी बात है तो शास्त्री सर छोड़ दीजिए, मैं छोटी बात जो कह रहा हूँ उसको आलंकारिक तरीके से समझें। मैंने आपको नियंत्रण दिया एक बात के लिए, वो नियंत्रण ये था, प्रभु यीशु ने अपने जीवन का बलिदान आपके लिए दिया, आपको एक नया जीवन देने के लिए दिया, आपको बचाने के लिए दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रभु के पास जाकर प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, लाचार हूँ, अधम हूँ, अपने आप का बचाव नहीं कर सकता और इसलिए आज मैं आपके बलिदान को स्वीकार करता हूँ। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा एक मौका आया था जब मैंने प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर कहा कि हे प्रभु, मैं इस बात को पहचान गया हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं इस बात को भी पहचान गया हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना जीवन सूली पर बलिदान दिया और इस कारण प्रभु मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु ने तत्क्षण, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं जरा जांचूं, मैं जरा पूछूं, मैं जरा जांच पड़ताल करूं, नहीं। जिस क्षण मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं आपको मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, तत्क्षण उसी क्षण प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया, मुक्ति दी, उद्धार दिया। और इस कारण आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस हिम्मत के साथ खड़ा हूं कि आज यदि मुझे संसार से जाना पड़ेगा, जब मैं प्रभु के, तब जो भी समय प्रभु नियुक्त करेंगे और प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने जब मैं खड़ा होऊंगा और जब प्रभु मुझसे पूछेंगे कौन हो तुम, प्रभु मैं आपका बच्चा शास्त्री फिलिप, तुम क्यों अपने आप को मेरा बच्चा कहते हो, तुम मेरी सृष्टि हो, मेरे बच्चे कैसे हुए, तब मैं प्रभु को हिम्मत के साथ प्रभु को बता सकूंगा, याद दिला सकूंगा, हे प्रभु आज से इतने साल पहले मैंने आपका संदेश सुना था, उस संदेश को सुनकर मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, तब से मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी संतान हूँ। प्रभु ये प्रश्न इसलिए हमसे नहीं पूछते कि प्रभु को सब याद दिलाने की जरूरत है, सर्व जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन इसके बावजूद एक आएगा समय जब न्याय होगा, जब हमसे जो पूछना है वो पूछा जाएगा और हमें जो जवाब देना है वो जवाब देना होगा। आज संध्या के समय आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे मेरा एक प्रश्न है, ये प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तब आपका क्या जवाब होगा। इसके पहले भी मैं कई बार आपको याद दिला चुका हूँ, यदि कोई भी भाई या बहन इस सभा में है जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो इस तरह से घूमने फिरने से काम नहीं चलेगा, समय फालतू पास करने से काम नहीं चलेगा, उस निश्चित पॉइंट पर आपको आना होगा जहां आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। इस कारण मेरा आपसे अनुरोध है कि आज शाम को यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया, यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है तो इस सभा के बाद फुर्ती से चाय पानी करने के बाद मेरे पास आइए, मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा। बाइबल के ही उत्तरार्ध के एक और पुस्तक को मैं आपके सामने खोलना चाहता हूँ जिसमें से हम सब के लिए एक और पाठ है। इस पुस्तक का नाम है गलातियों। एक्चुअली गलातिया एक देश का नाम था, अब नाम बदल चुके हैं। वहाँ जो लोग थे उनको एक लंबा सा पत्र लिखा गया था, इसलिए इसको गलातियों के नाम पत्री कहा जाता है। इसके पांचवें अध्याय के पहले पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री पांचवें अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं, प्रभु ने स्वतंत्रता के लिए हमको स्वतंत्र किया, या उसका अनुवाद इस तरह भी हो सकता है, प्रभु ने आज़ादी के लिए हमको आज़ाद किया।
उसमें स्थिर रहो। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब है। आगे लिखा है दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। क्या मतलब है? दो मतलब है। जब हम रेलगाड़ी में यात्रा करते समय टिकट चेकर आपकी जगह पर आता है, आपसे पूछता है टिकट, तब दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिसने टिकट लिया है और एक जिसने टिकट नहीं लिया है। दोनों की स्थिति अलग होती है। मैं बहुत ट्रेन से यात्रा करता हूँ, आप लोग भी करते हैं यहाँ, इसलिए आप इस बात को जानते हैं कि जब टिकट चेकर आ जाता है तो दो ही प्रकार के लोग होते हैं। और जनरली रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में जिसने टिकट लिया होता है, जैसे ही टिकट चेकर को देखकर मुस्कुराते हुए वो जेब में हाथ डालता है, तो कई बार टिकट चेकर ये कह देता है रहने दो रहने दो। क्यों? आपके चेहरे के जो हाव भाव है और आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ टिकट निकालने की कोशिश कर रहे हैं या पर्स खोल रहे हैं टिकट दिखाने के लिए, जो आदमी रोज हजारों लोगों को देखता है वो ताड़ जाता है कि आपके पास टिकट है, वो कहता है छोड़ो छोड़ो। एक और है जो इधर टटोल रहा है उधर टटोल रहा है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव देखकर टिकट चेकर जानता है कि ये तो नाटक कर रहा है, टिकट नहीं ढूंढ रहा है, इसके पास टिकट नहीं है, वो ड्रामा कर रहा है। प्रभु का वचन जब कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, प्रभु यीशु ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, उसमें स्थिर रहो, दासत्व के जुए में ना जुतो, तो ये हम में से हर व्यक्ति के लिए दो अलग अलग चीजें बताता है। जिसने प्रभु को ग्रहण किया है वह आजाद हो गया है, और इस कारण वो जो प्रभु का वचन कहता है कि आज़ादी के लिए प्रभु ने हमको आज़ाद किया है, तो वो इस बात को जानता है। दूसरा व्यक्ति जो 50 बार सुन चुका है कि प्रभु ने मेरे आपके लिए अपना जीवन दिया है, लेकिन उसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, वह वहाँ खड़े होकर मन ही मन इस बात को याद करता है कि सच प्रभु का वचन बार बार मेरे पास आया कि मैं प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके जीवन में आज़ादी पाऊं, लेकिन आज भी मैं उस गुलामी में जीवन बिता रहा हूं और अब मौका मेरे हाथ से निकल चुका है। ये दो बातें हैं जो आज शाम को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक, मनुष्य के लिए एक बार संसार से विदा होना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, लेकिन प्रभु ने सूली पर जो बलिदान किया है उसको ग्रहण करके यदि आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, तो न्याय सिंहासन के सामने आप हिम्मत के साथ खड़े हो सकेंगे। नहीं तो स्वतंत्रता के लिए प्रभु ने आज़ादी प्रदान की है, रास्ता खोला है, लेकिन हम फिर भी गुलामों के समान वहाँ खड़े रहेंगे, इसलिए कि हम आज़ादी के रास्ते पर कभी नहीं गए। लेकिन ये भाग मैंने प्रभु के वचन से इसलिए भी लिया कि यहाँ पर कई ऐसे भाई बहन लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में आज से महीने भर पहले, साल भर पहले, 10 साल पहले या और भी बहुत साल पहले प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था, लेकिन प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद आज़ादी के रास्ते पर चलने के बदले वापस गुलामी के रास्ते पर चले गए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए हमको आज़ाद किया है, उसमें स्थिर रहो, दासत्व के जुए में वापस ना जाना। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने एक कहानी सुनाई थी। एक बहुत ही धनी आदमी था, दो बेटे थे, इतना धन था उस परिवार में कि वहाँ नौकर खाना खाने के बाद उन नौकरों को खाना फेंकना पड़ता था, इतना खाना उनके पास था। नौकर भी नहीं, सही शब्द कहा जाए तो गुलाम। आज से 2000 साल पहले नौकर कहाँ होते थे, वहाँ तो गुलाम हुआ करते थे। उस घर के गुलामों को उस मालिक ने इतनी समृद्धि दी थी कि खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना फेंकना पड़ता था।
उस परिवार के जो दो बेटे थे, यदि इस घर के गुलामों की स्थिति ये थी तो उस परिवार के पुत्रों की क्या स्थिति होगी? वो तो मालिक है। छोटे बेटे को लगा कि नहीं 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 ये पर्याप्त नहीं है, इससे भी ज़्यादा आज़ादी चाहिए। अरे एक धनी परिवार में पैदा हुए, तुमने ना तो बोया ना ही सींचा, तुम्हारे बाप ने सब कुछ किया और अब ये सब तुम्हारा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? नहीं नहीं छोटे को लगा कि नहीं नहीं इतना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा सा मनमाना जीवन भी जीना जरूरी है। वो घर में नहीं हो पा रहा है, क्यों? बहने हैं, बड़ा भाई है, पिताजी है, माँ है। इतना ही नहीं, इस घर में ऐसे भी गुलाम है, उस जमाने में ऐसे गुलाम हुआ करते थे जो मुनीम का काम करते थे, वो काफ़ी ऊंचे ओहदे पर होते थे, जो मैनेजर हैं। और गुलामों में ही कुछ इन बच्चों के टीचर्स भी हुआ करते थे। तो उसको लगा कि सब कुछ है, खाना है, कपड़ा है, आराम है, गारंटी है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगी। लेकिन पिताजी के देखते, बड़े भाई के देखते, माता जी के देखते, बहनों के देखते, और इस घर में जो गुलाम हैं उनमें बड़े जो सीनियर हैं, जिनमें से कुछ मेरे अध्यापक रहे हैं, कुछ घर के मुनीम हैं, मैनेजर हैं, उनकी देखा देखी मनमानी नहीं कर सकता। परिवार की जो मर्यादाएं हैं उनको मैं तोड़ नहीं सकता। इस कारण उसको लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, आज़ादी भी हो, मर्यादाएं भी तोड़ सकूं। तो एक दिन उसने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि इस प्रॉपर्टी में मेरा जो हिस्सा, उसका क्या हिस्सा है, इस प्रॉपर्टी में मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दें। अरे सब कुछ तो फादर का किया धराया हुआ है, फादर ने मेहनत की, फादर ने प्रॉपर्टी खड़ी की, और तुमको तो बस मिलने वाला है। लेकिन उसने जाके सीधे सीधे पूछ लिया, हे पिताजी इसमें से मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। मर्यादा का पहला उल्लंघन, एक्चुअली मर्यादा का उल्लंघन उसने मन ही मन पहले किया था, और उसके बाद जाकर फादर के सामने दूसरा उल्लंघन किया। पिताजी भी जानते थे कि इस बेटे के मन में क्या गुजर रही है। यहाँ पर पिता हमारे सृष्टिकर्ता सर्वेश्वर को प्रदर्शित करते हैं। वो छोटा भाई मैं और आप हैं जिनको सब मिला है, लेकिन इसके बावजूद हम मर्यादा का उल्लंघन करके आज़ादी से जीना चाहते हैं। क्या हुआ? प्रभु ने आगे वो घटना बताई। पिताजी ने उस भारी जो संपत्ति थी उसमें से उसका हिस्सा उसको दे दिया। करोड़ों की संपत्ति उसने जैसे जहाँ जो मिला था बेच बाच के सबको सोने चांदी में कन्वर्ट करके थैलिया में डाल के किसी दूर देश चला गया। दूर देश क्यों चला गया? उसको लगा कि मर्यादा का उल्लंघन असली आज़ादी है। वहाँ जाके खाने पीने नाच गाने और संगति, उसमें उसने सारा पैसा उड़ा दिया। जब आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं तब आपके साथ ऐश करने के लिए 50 लोग आते हैं, लेकिन करोड़ों की संपत्ति जब खत्म हो गई तो जैसे धूप निकलने पर पानी से भीगी हुई जमीन एकदम से सूख जाती है, वहाँ पानी का नामो निशान नहीं है, वैसे ही जब इसके पास पैसे खत्म हुए तो सारे दोस्त भी खत्म हो गए, सब लोग वहां से गायब हो गए। इतने बड़े परिवार का वो लड़का जो करोड़ों का वारिस था, जिसको करोड़ों मिले थे, वो खाने दाने दाने के लिए भीख मांगने लगा। इस बीच उस देश में अकाल और पड़ गया तो देने वाला कोई नहीं बचा। तब उस देश के एक धनी आदमी के पैरों पे जाके गिर पड़ा, मालिक कुछ कीजिए। उस देश में सबसे घिनौना पेशा था सुअर पालना, सबसे घिनौना। उसने कहा कि बेटा खान पान के लिए कुछ नहीं है, सुअर पालना यदि तुमको आता हो तो मेरे पास सुअर बहुत है, उसको पालो। मजबूर होकर उसको सुअर पालना पड़ा।
जो सबसे घिनौना पेशा है वो करना पड़ा। उसके बाद जो उसको दो चार कौड़ी मिलती थी उससे पेट नहीं भर पाता था, और इस कारण सुअर को जो खाने के लिए जो दाने दिए जाते थे उसको उसने खाने की कोशिश की, वो भी कोई उसको नहीं देता था। राजस्थान में घर के आसपास एक प्रकार का पेड़ या एक प्रकार की झाड़ी उगती है जिसमें सोजने की फली के समान लंबी फलियां लगती है। आप में से किसी ने या आप लोगों के इलाके में इस तरह की फली होती हो और यदि आपने उसे मुंह में लेकर चबा कर देखा हो तो उसमें बहुत ही तीखा होता है मिर्ची के समान। इस तरह का दाना सूअरों को खाने के लिए दिया जाता था। आदमी उसको खा नहीं सकता है, लेकिन इसकी हालत यह हो गई कि इवन वो खाना खाने के लिए वो तैयार हो गया लेकिन उसको देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब उसको अचानक याद आया, मेरे घर में मेरे पिताजी के जर खरीदे गुलाम, जर खरीदे मीन्स जिसको कौड़ियां देकर खरीद लिया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार में गुलाम रहेगा, मेरे परिवार के जर खरीदे हुए गुलामों के पास इतना भोजन है कि खाने के बाद बचा रहता है फेंकना पड़ता है। और यहाँ उस करोड़पति परिवार का बारिश, मैं सबसे घिनौने जानवरों को पाल रहा हूँ और वो जानवर जो खाते हैं वो खाना चाहता हूँ वो भी नहीं मिल पा रहा है। तब वो उठ खड़ा हुआ, पिताजी के पास गया, पिताजी ने उसको क्षमा कर दिया। बल्कि वो उस घटना में प्रभु यीशु बताते हैं कि दूर से अपने बेटे को देखकर पिताजी दौड़ के गए, बेटे को गले से लगाया, उसको चूमा। जरा सोचे कि उस पिताजी की क्या हालत हुई होगी इसको चूमते हुए। लेकिन ये हमारे सृष्टा प्रभु के प्रेम को दिखाता है। आज इस सभा में जितने लोग एकत्रित हुए हैं इनमें से हर व्यक्ति उस बेटे के समान जिसने सब उड़ा दिया था, प्रभु ने सब कुछ दिया है, उसको पाने के बावजूद कई बार आजादी के पीछे मन माना फिर रहे हैं। आजादी का मतलब मर्यादा का उल्लंघन। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज शाम को इस सभा में दो प्रकार के लोग हैं। दोनों से मैं आज शाम को एक विनती करना चाहता हूँ, एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाइयों और बहनों में से यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आज तक प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि एक बार चले जाने के बाद फिर उद्धार के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, फिर तो सिर्फ न्याय है। दूसरे यहाँ पर जो बैठे हैं उसमें वो कैटेगरी के लोग भी हैं जिन्होंने प्रभु को किसी जमाने में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था लेकिन उसके बाद अपनी इच्छा के रास्ते पर चल रहे हैं और जिनका जीवन इस उड़ाऊ पुत्र से बेहतर नहीं है। आज अपने आप को पहचान कर वापस चले जाएं। तीसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की भी है जो सही रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन आधे अधूरे मन से चल रहे हैं। जब प्रभु के साथ चलना ही है तो आधे अधूरे मन के साथ क्यों चलें? पूरी तरह से मन लगाकर क्यों ना चलें? यदि फर्स्ट क्लास लाना है तो आधे अधूरे मन से मेहनत क्या मतलब है? क्यों ना पूरे मन से मेहनत करें जिससे कि अच्छे से अच्छे सर्वोत्तम नंबर आ सके। आज शाम को जो भाई और बहन इस सत्संग में प्रभु की वाणी सुन रहे हैं उन सबको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आया है सो जाएगा, जो आया है वो चला जाएगा। चाहे शाहनशाह हो, चाहे नंगा भिखारी हो, या वो रंग जिसने सब कुछ जीवन में त्याग कर दिया, सबको जाना पड़ेगा। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि उसके बाद न्याय होगा, उस न्याय सिंहासन के सामने किस मुंह हम खड़े होंगे यदि हमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है।
इसलिए आज शाम को मेरा अनुरोध है एक बार और कि अपने भविष्य को देखकर उसके अनुसार एक निर्णय लेकर ही इस सभा से जाएं। नंबर दो, ऐसे भी कई भाई बहन यहाँ मौजूद है जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है लेकिन उस छोटे पुत्र के समान मनमाना चलना चाहते हैं। ऐसा ना करें। घर के अंदर पिता के साथ संगति, मर्यादा के अंदर जीवन बिताने में जो आज़ादी और जो खुशी है वो किसी और चीज़ में नहीं है। इस कारण यदि आपके जीवन में यदि कोई गलती आई हो, किसी गलत रास्ते पर चल रहे हो, आज मौका है प्रभु के पास वापस आने के लिए, आज ही वापस आ जाए। हाँ, जो लोग ऑलरेडी उस रास्ते पर चल रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु के रास्तों पर चलें, जिससे कि आधे अधूरे मन से चलने के बदले हम पूरे उत्साह के साथ प्रभु की सेवा कर सकें। आज इस तरह से प्रभु ने हमको जो अवसर दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ।